शुक्रवार को रमजान महीने की आखिरी जुमा की नमाज अदा करने के बाद आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सांगी युटे गांव में लोग ईद नहीं मना रहे हैं। इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुंछ आतंकी हमले में जिन जवानों ने शहादत दी है वो इसी गांव में इफ्तारी व्यवस्था देख रहे थे। इसकी तैयारी की गई थी, कई लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया था। इस दौरान सेना का ट्रक इफ्तारी का सामान लेकर गांव भी पहुंच रहा था, तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और घटना में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब इस पूरी घटना के बाद ईद के मौके पर भी पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। त्योहार की रौनक गायब सी हो गई है, हर आंख नम है। वो सैनिक जो उनकी हिफाजत कर रहे थे वो ईद अच्छे से मना पाए इसका ख्याल रख रहे थे, उन्हीं को आतंकियों ने मार दिया। गांव वालों का कहना है कि अब क्या ईद और क्या इफ्तारी, सब कुछ बिखर गया। इस पूरे मामले में गांव वालों से बात की हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने। क्या कुछ कहा गांव वालों ने, आइए आपको सुनाते हैं। हर कोई एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहा है, लेकिन पुंछ में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर घातक हमला किया गया और ऐसे में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए, वहीं एक जवान का इस समय उपचार जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है संजोट गांव में, जहां पर इस गांव ने ये फैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। इन्हीं गांव वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। साहब आपका नाम? जी मुख्तियाज खान सरपंच संगयोट। साहब बड़ी दुखद घटना है, 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, आपने क्या फैसला किया, आपके गांव ने, क्योंकि आप सरपंच हैं इस गांव के, क्या फैसला किया है? एक्चुअली ये जितने जवान भी शहीद हुए हैं ये मेरी पंचायत की कंपनी है और पहले दिन हमने डिसाइड किया था मेजर साहब से मिलके कि इस बार की इफ्तार पार्टी जो है वो फौज की तरफ से होगी और आफ्टर ईद जो होगा वो सिविलियन की तरफ से होगा। तो फिर मेजर साहब ने गाड़ी को भेजा इफ्तार पार्टी का सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह। तो रास्ते में सडनली उनके इंसिडेंट हो गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, तो वो एक बड़ी दुखद बात है। हम इसको कंडम करते हैं और हमारा पूरे गांव ने मिलके ये फैसला किया है कि आज हम उस दुखद परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने एक नमाज ईद अदा की है, बल्कि सेलिब्रेशन नहीं किया जैसे कि पहले की तरह करते थे, खुशी का दिन मनाते थे, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात आज नहीं है। क्योंकि बिकॉज ये कि हमारा फौज के साथ एक ऐसा बेस्ट रिलेशन था, हर बंदे को हम जानते थे बाज़ाते खुद कि ये अच्छे हैं, क्योंकि फौज का गांव में आना जाना अप डाउन हमारा आना जाना लगा रहता था। तो ये बड़ा दुख होता है क्योंकि एक बंदे से इस मतलब एक दिन पहले मिलो और दूसरे दिन ये खबर सुनो कि वो बंदे एक्सपायर हो गया है, तो जाहिर बात है बड़ा दुख होता है। इसमें जो तस्वीरें निकल के सामने आई, जो वाहन थी उसके अंदर हमने देखा कि फ्रूट का सामान था, वो इसी गांव के लिए आया था इफ्तारी के लिए? जी जी हाँ, जाहिर बात है जितना भी फ्रूट और जो भी सब्जियां वगैरह आ रही थी वो गाँव की इफ्तारी के लिए आ रही थी, क्योंकि उसमें मेजर साहब ने इन्वाइट किया हुआ था हमारे एडजाइनिंग वाली पंचायती को भी और हमारी पंचायत को भी, उसके PRIs और सीनियर सिटीजन वगैरह और एक्समैन जितने भी थे उन सबको इनवाइट किया हुआ था, वो इसी गांव के लिए आ रहा था। जो जवान थे जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको आप पर्सनली जानते हैं? बिल्कुल, मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि मैं सरपंच हूं, मेरा तो फौज से मिलना जुलना लगा ही रहता था, बिलखसूस क्योंकि फौज इधर खड़ी है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस गाँव के ज़्यादातर लोग जितने भी हैं वो फोर्स के साथ रिलेटेड हैं, अच्छे रैंक से आए हुए हैं। उस मेरे बाजाते फादर साहब फौज में थे, भाई फौज में है, तो हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा है और PRIs होने के नाते तो रिलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं हर बंदे को, कंपनी के हर जवान को, ऑफिसर से लेकर जवान तक हर बंदे को जाती जानता था और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप था सिविलियन के साथ। तो बड़ा दुख हुआ और सब गाँव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस बार जो सेलिब्रेशन है वो नहीं करेंगे, अलबत्त सिर्फ नमाज अदा करके अपने घर में बैठेंगे। कितना दुख होता है जब ये खबर आई, उस समय आप मौके पर गए थे और कितना दूर था इस गाँव से वो जगह? जी जैसे हमारे सरपंच साहब ने बताया कि जिस टाइम हमें ये खबर लगी तो बहुत दुख हुआ, हम यहाँ से गए मौके पे, जब हमें वहाँ पे देखा हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अलबत्ता उस टाइम बीत चुका था, लेकिन बहुत दुख हुआ हमें। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि हमारी इफ्तारी का सामान लाने के लिए गए हुए थे मैजर साहब ने, अगले दिन हमारे साथ डिसाइड किया कि इफ्तारी होगी हमारी, तो वह सामान लाने के लिए गए हुए थे, तो वापस आ रही थी गाड़ी
तो रास्ते में इंसिडेंट हो गया। आपको लगता है कि एक परिवार का सदस्य चले गए? हाँ बिल्कुल लगता है कि क्या कैसे, ये बात तो पूछने वाली है ही नहीं है ना कि एक फौजी घर में 2 महीने गुजारता है और 10 महीने हमारे साथ गुजारता है, जाहिर बात है हमारा रिलेशन उससे ज़्यादा हो जाता है। अच्छे को भी, अच्छे जितने भी लोग अच्छे हैं, ऑफिसर अच्छे हैं, उनकी फोर्स अच्छी है, कॉपरेटिड हैं, हम तो यही चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हर बंदा अमन में जीना चाहता है और भाईचारे को जिंदा रखना चाहता है, और हम देश वाले हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव में अमन हो, हमारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आपको लगता है कि कायराना हरकत की है और आसपास के गांव में क्या माहौल है? बिल्कुल, ये चोरी छुपे जो किया तो ये कायराना हरकत की है। अगर बार करनी तो हमने सामने आके करें, सेना के बड़ी मसाले हैं देश की, हमारी सेना की, चाहे कारगिल वार देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, तो जितने भी गाँव हैं आसपास वाले, जैसे सरपंच साहब ने पार्टिकुलर पंचायत के बताया, इनकी इफ्तार पार्टी थी, इनके लोगों को तो खसूसी बहुत दुख है और आसपास वाले गाँव को भी बहुत दुख है, क्योंकि उन जवानों के साथ मिलना जुलना तो लगा रहता था, तो एकदम से अचानक ऐसी न्यूज़ आनी, और वो भी हमारे लिए सामान लेने गए थे, और वही जवान जो अगले दिन मिलते हैं, बात करते हैं कि कल आपके लिए इफ्तारी करवानी है, और थोड़ी देर के बाद न्यूज़ आती है कि अटैक हो गया, और जब जाके देखते हैं पूरे जले हुए होते हैं शरीर, तो बहुत बड़ा दुख है, जितना इसका कंटेम्प्ट करेंगे इतना कम। साफ तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं गांव वालों को कितने ज़्यादा एक तो गुस्से में है और दुख में है, क्योंकि आज पूरा देश जो है वो ईद मना रहा है। अब गांव में देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा देश ईद की बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी गांव के जो कंपनी थी तो उस पे जब इफ्तारी के लिए वो सामान लेने जाते हैं, उसी बीच में आतंकियों की तरफ से कायराना जो हमला है वो किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, वहीं एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल है इस वक्त, जिसका उपचार भारतीय सेना के मिलिट्री बेस हॉस्पिटल रजौरी में चल रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9। बहरहाल इस घटना ने सभी को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। गाँव वालों का कहना है कि वो सारे जवान उन्हीं गाँव के आसपास ही तैनात थे, ऐसे में गांव वालों से उनका दिल लग गया था, इसलिए आज वो केवल नमाज अदा करेंगे और कोई त्योहार नहीं मनाएंगे।